हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि कल यानी कि 4 जून 2024 को लोकसभा 2024 के चुनाव का रिजल्ट आ गया है, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि जो बीजेपी पार्टी है और जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है, इन दोनों लोगों को जो है पूर्ण बहुमत सीट जो है प्राप्त नहीं हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी बात को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा असमंजस चल रहा है कि इस बार जो है किसकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी या बीजेपी पार्टी की बनेगी, इसके बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल चल रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो इससे जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन लोगों का अगर एक तरफ से देखा जाए तो भाग उदय हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है इसी के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे कि ऐसा क्या प्लस पॉइंट जो है सामने निकल कर आ रहा है जिससे जो है केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की पॉसिबिलिटी 100% दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स, अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो इससे जो है संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए क्या कुछ फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को और इंडिया गठबंधन की पार्टी को पूर्ण बहुमत सीट प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी वजह से जो है इनके द्वारा जो है कुछ अदर पार्टियों के लोगों को अपने पार्टी में शामिल किए जाने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा निगाह है दो लोगों के ऊपर टिका हुआ है, एक चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश में हैं और एक जो है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्हीं दोनों को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है बीजेपी पार्टी द्वारा और इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा कि इन दोनों लोगों को जो है अपनी तरफ शामिल कर लिया जाए। और देखिए फ्रेंड्स, जिसके द्वारा भी जो है इन दोनों लोगों को अपनी ओर शामिल कर लिया जाएगा उसी की सरकार जो है केंद्र में देखने को मिल जाएगी, यानी कि उसी का प्राइम मिनिस्टर जो है केंद्र में बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि हालांकि इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है इसका जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है और वहीं बीजेपी पार्टी द्वारा भी जो है इस बात को लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि फ्रेंड्स, आइए जो है आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता देते हैं कि नो डाउट नीतीश चाचा इज़ द इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी न्यूज चैनलों के माध्यम से और एक्स पर और काफ़ी जगहों पर जो है ये न्यूज़ जो है सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है और इनके द्वारा जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बोला गया है। और देखिए फ्रेंड्स, नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। नीतीश की पलटी को लेकर जो है तमाम तरह की खबरें चल रही है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं से मिलने से मना कर दिया है। दिल्ली में जो है बीजेपी के दिग्गज नेताओं के संपर्क में भी नीतीश कुमार नहीं है, जिसके बाद से जो है बीजेपी के हाथ से केंद्र की सत्ता फिसलने का संकेत मिल रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि नीतीश कुमार जी द्वारा जो है बीजेपी नेताओं से काफ़ी ज़्यादा दूरियां बन गई है, काफ़ी ज़्यादा जो है इनके द्वारा दूरी बना ली गई है। इनका जो है इस बात को लेकर साफ मूड है कि ये जो है इंडिया गठबंधन की पार्टी में सम्मिलित होंगे और इन्हीं के पार्टी में जो है शामिल होकर इनके द्वारा जो है केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा राहुल गांधी जी द्वारा अभी कल ही जो है नीतीश कुमार के पास इस संबंध में ऑफर भेजा गया था कि आप जो है हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, हम जो है आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे। हालांकि फ्रेंड्स, इतनी बड़ी पदवी पाने के बाद जो है कोई भी हो इस बात को लेकर पिघल ही जाएगा कि ये उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है ये काफ़ी बड़ा पद होता है। और देखिए फ्रेंड्स, इससे जो है भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की 100% पॉसिबिलिटी भी हो जाती है। इसी चीज़ को लेकर जो है जो नीतीश कुमार हैं इनके द्वारा बीजेपी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा दूरी बना ली गई है और अब जो है इनका साफ इमेज जो है ये सामने निकल कर आ रहा है कि इनके द्वारा जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होने की पूरी योजना बना ली गई है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये पूरा तस्वीर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी द्वारा जो है
कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की पार्टी में शामिल होने की 100% पॉसिबिलिटी जो है दिखाई दे रही है, जैसा कि जो है आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इससे बड़ा प्रूफ जो है आप लोगों के लिए क्या ही हो सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ में आप लोगों को यह भी बता दें कि एनडीए की बैठक में जो है नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, और इंडिया गठबंधन में जो है शामिल हो सकते हैं, इस पर जो है 100% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए चंद्रबाबू नायडू की, तो इनके द्वारा भी जो है इनकी बातों से ये चीज़ें सामने निकल कर आ रहा है कि ये भी जो है इंडिया गठबंधन की पार्टी में शामिल होंगे, जैसा कि जो है आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि सभी नेता नरेंद्र मोदी से बेहतर है, यानी कि इनका कहना साफ है कि हम किसी अदर पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे लेकिन हम जो है बीजेपी पार्टी में सम्मिलित नहीं होंगे। इनकी बातों से जो है ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। हालांकि फ्रेंड्स, ऐसा इस वजह से हुआ, आप लोगों को बता दें कि अभी कल ही राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा इनसे जो है फ़ोन पर बात किया गया कि अगर आप हमारी पार्टी में सम्मिलित होकर हमारी सरकार केंद्र में बनवाने के लिए सहयोग करेंगे तो हम जो है आंध्र प्रदेश को एक विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। हालांकि फ्रेंड्स, जो भी राज्य एक विशेष राज्य का दर्जा पा जाता है उसे जो है केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी ज़्यादा बजट, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, यानी कि फ्रेंड्स उस राज्य का जो हुलिया है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी बात को लेकर जो है चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में भी यही थिंकिंग जो है चल रही होगी कि हमारे द्वारा जो है इंडिया गठबंधन की पार्टी में शामिल होना सबसे बड़ा फायदामंद होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब जो है पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन की पार्टी में सम्मिलित होकर केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इससे जो है नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी को काफ़ी बड़ा नुकसान होता हुआ सामने निकल कर आ रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इससे जो है संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा। आप लोगों को फ्रेंड्स पता होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा अपने मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र में जो है इस बात का जिक्र किया गया था कि जैसे ही इनकी सरकार केंद्र में बनेंगे जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इन सारे लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी कि ठेकेदारी प्रथा है ये, यानी कि जो ठेकेदारी प्रथा है इसे पूरे भारत से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और इसके साथ में जो है इनके द्वारा इस बात का भी अनाउंसमेंट किया गया था, प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं को 8500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी कि इन्हें जो है साल में 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। और इसका डेट भी जो है इनके द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि 4 जुलाई सुबह 9 बजे जो है सभी गरीब परिवारों की महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8500 रुपये आ जाएगा। और इनके द्वारा जो है कुछ और अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट किए गए थे कि 10 किलो राशन की दिया जाएगा और 25 लाख का जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ जो है दिया जाएगा। उसके बाद जो भी मनरेगा मजदूरी है इसे जो है अब 400 रुपये कर दिया जाएगा। और जो भी आशा या आंगनवाड़ी बहनें हैं इन लोगों का जो वर्तमान समय का मानदेय है इसका जो है दुगना कर दिया जाएगा। और जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इन सारे लोगों को जो है पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। और पुरानी पेंशन बहाल करने का भी जो है इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। और जो भी शिक्षा मित्र हैं इन्हें जो है 40,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात इनके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, इससे जो है आप लोगों के लिए यही फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो देखने के बाद जो है इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।